हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग मेरी कलाकारी। आज मैं आपको हेयर ऑयल बताने वाली हूँ जो मैं अपने बालों में यूज करती हूँ। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अपना हेयर ऑयल जिससे मैं मसाज करती हूँ। तो ये मेरा जो होममेड हेयर ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने भी यूज किया है और मैं यूज करते आ रही हूँ इतने दिन से। तो ये कलौंजी और मेथी दाने से मिलकर बनता है, बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। कलौंजी के तो बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे और मेथी दाने के बेनिफिट्स कि ये हेयर के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपके जो हेयर का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहला जो बेस है इसका वो है कोकोनट ऑयल। तो इस कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, मैंने इसी से बनाया है। और ये है पैराशूट कोकोनट ऑयल, तो ये बेस होगा हमारे ऑयल का। और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल। इसके लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि आप ऑर्गेनिक ही मंगाइएगा, कैस्टर ऑयल काफ़ी हार्ड होता है। तो इसे हम बिल्कुल 1/3 यूज़ करेंगे, 1/3 से भी थोड़ा सा कम। तो इसे बहुत कम यूज़ करना है, लेकिन ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये कैस्टर ऑयल हम ऐड करेंगे। ये है मेथी दाना जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये है मेथी दाना जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप इसे मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। और ये है कलौंजी, वो तो ये अचार में डाली जाती है। तो ये है कलौंजी। अगर आपके पास कलौंजी ऑयल है तो फिर आपको कलौंजी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे और आप ये ऑयल बना सकते हैं। कलौंजी ऑयल में तरीका ये भी है इस ऑयल को बनाने का, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट मेथड है, मतलब कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे तो वो ऑयल में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़े दिनों का वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं जब आज ऑयल बनाने वाली हूँ तो आज के बाद मुझे इसे कम से कम 7-8 दिन के बाद यूज़ करना होगा, तो इतना वेट तो आपको करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर आपके पास कलौंजी ऑयल है तो फिर आपको वेट नहीं करना है, आप सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लीजिए, उसी टाइम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बेस है, ये हर घर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन इस तेल के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल, और ये है रोजमेरी। रोजमेरी के बारे में शायद आप जानते होंगे लेकिन लैंग लैंग के बारे में नहीं जानते होंगे, इसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो मैं इस ऑयल को ज़रूर ऐड करती हूँ अपने किसी भी होममेड ऑयल में। तो ये दोनों जो एसेंशियल ऑयल है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आपको इससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इस तेल के। बस ये अगर आपको ऑयल की थोड़े से और बेनिफिट्स बढ़ाने हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप जो भी अवेलेबल है उस मटेरियल से बना सकते हैं। तो अभी हम ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस ऑयल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स सी द वीडियो। ऑयल बनाने के लिए आप इस तरह का कंटेनर ले लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से हाथ डिप करके और ऑयलिंग कर सके, इसमें आपका ऑयल जो है वो वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हाथ में हम जितना ज़्यादा लेते हैं उतना ज़्यादा हमारे हाथों में ही लग जाता है और बालों में हम नहीं लगा पाते हैं। ये
इस तरह का कंटेनर लिया है। तो सबसे पहले मैंने इसे फिल किया है कोकोनट ऑयल से। तो ये देखिए मैंने हाफ फिल कर लिया है इसे कोकोनट ऑयल से, और अब इसमें हम लगभग 1/3 के करीब, 1/3 से भी बहुत कम हम लेंगे कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जब हम लेंगे तो वो आप ऑर्गेनिक ही लीजिएगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल हार्ड होता है और कम ही यूज़ कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया 1/3 से भी कम। उसके बाद अब हम इसे कलौंजी से फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास कलौंजी ऑयल नहीं है। कलौंजी ऑयल अगर हमारे पास होता तो हम इसे हाफ फिल करते कोकोनट ऑयल से और हाफ कलौंजी ऑयल से, लेकिन कलौंजी ऑयल नहीं है इसीलिए हम 4 टीस्पून कलौंजी मिला रहे हैं, और ये है मेथी दाना, तो हम लगभग 3 टीस्पून मेथी दाना मिला रहे हैं। मेथी दाना को मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में, उसका पाउडर बना लिया था। तो ये देखिए थोड़ा कलौंजी कम लग रही थी इसीलिए मैंने इसमें और मिला दी है, और अब ये तेल बनकर तैयार हो गया है। लेकिन हम इसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो ये जो एसेंशियल ऑयल मैंने यूज़ किया है ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और ये है लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल। तो दोनों की आपको 10 to 12 ड्रॉप डालनी है। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है, अगर आप इसे मिक्स करना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अमेज़ॉन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपको चाहिए वो परचेज कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए ऑयल बन गया है, और इसे जब आप यूज़ करेंगे तब आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे आपकी हेयर जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, साथ में आपके बाल झड़ना भी कम हो जाएंगे, हेयर्स काले हो जाएंगे। अगर आपको सफ़ेद बालों की कुछ प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आपके सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हेयर की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आप एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और इसे शेक कर लीजिए, और उसके बाद 7 to 8 days के लिए आप इसे रख दीजिए। 7 to 8 days के बाद आप इसे लगाना यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा। तो गाइज़ ये देखिए ये हमारा ऑयल तैयार हो गया है, और इसको अभी आपको अगर यूज़ इमीडिएट करना है तो आपको मैंने पहले भी बताया है कलौंजी ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस ऑयल जो ये ऑयल हमने तैयार किया है इसके लिए आपको 7 to 8 days वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप करिए ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, और जितना भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे घर पे। कलौंजी भी होगी आपके घर पे, मेथी दाना भी होगा, और आई एम श्योर कि आपके पास कोकोनट ऑयल भी होगा। तो बस जल्दी से बिना देर किए इस तेल को बनाइए और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लीजिए, अपने बालों की केयर कीजिए। तो आपको ये हेयर ऑयल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस ऑयल को बनाते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे जाइए मुझे फॉलो कीजिए अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है, और डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर करती रहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के, तो आपको वो भी देखने को मिलेंगे, और साथ में मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको मेरे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। So see you in the next video. Till then, bye-bye.